अभिनेता गोविंदा डिस्चार्ज होकर अस्पताल से अपने घर पहुंच गए हैं। मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता गोविंदा का घर है, आप देख सकते हैं। अपनी कार से गोविंदा का परिवार घर पहुंचा हुआ है और ये परिवार के लिए बहुत ही राहत की बात है, खुशी की बात है। जिस प्रकार से अपने ही रिवॉल्वर के मिस फायर होने से एक्टर गोविंदा घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें नज़दीकी क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर 3 दिनों तक उनका इलाज चला और पहले ही दिन वो खतरे से बाहर थे, लेकिन 3 दिन के इलाज के बाद उन्हें घर डिस्चार्ज कर दिया गया है। और डिस्चार्ज करने के बाद अभिनेता गोविंदा अब अपने घर पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं घर में, घर के बिल्डिंग के नीचे कार जो पहुंची है, तो उन्हें व्हीलचेयर की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उन्हें पैर में चोट लगी है और अपने पैर पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। इसी का ध्यान रखते हुए पैर पर वजन ना पड़े, इसलिए उन्हें सहायता की ज़रूरत पड़ रही है। और 6 हफ्ते तक बेड रेस्ट की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी गई है, 6 हफ्ते तक अपने घर में रहेंगे, बेड रेस्ट करेंगे और 6 हफ्ते बाद ही अपने कोई कामकाज या फिर वो बाहर जा सकते हैं। डॉक्टरों ने कुछ डाइट प्लान भी दिया हुआ है और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज का सुझाव दिया है और सेहत का विशेष ख्याल रखने के लिए कहा गया है, पैर पर कोई दबाव ना पड़े इसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और देखिए, परिवार के लोग बहुत संतोषजनक हैं और एक्टर गोविंदा जो कि अपने घर पहुँच गए हैं और सुकून, एक राहत दिख रही है। उनकी बेटी टीना साथ में नज़र आ रही है, उनकी पत्नी सुनीता नज़र आ रही हैं, बहुत ही राहत महसूस कर रहे हैं। और देखिए, एक्टर गोविंदा जिनके पैर पे चोट लगी हो, तो पैर को पूरी तरह से प्लास्टर किया गया है, देखिए क्या कर रहे हैं। अब अच्छा हूँ मैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं क्रिटिक केयर हॉस्पिटल का धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय नाम जोशी जी, आदरणीय मासूमा जी और आदरणीय हिमल भगत जी, आदरणीय अमित जी, आप जो वहाँ के डॉक्टर हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद। और वहाँ की जो नर्सेस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ में जो स्टाफ है, साथ में प्रेस का धन्यवाद, संपूर्ण देश में जो मुझे प्रेम मिला, जो जो चाहने वाले जहाँ जहाँ हैं, पत्रकार वर्ग के हों या प्रशासन वर्ग से पुलिस वाले हों, आप सब लोगों का धन्यवाद, आदरणीय शिंदे साहब का, और जो जो जहाँ जहाँ से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नेता हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कला वर्ग से जुड़े हुए जो मेरे कलाकार हैं, जिनका मुझे मैसेज आया, फ़ोन आया, जो मुझे मिलने आए, मैं सब लोग का धन्यवाद देता हूँ। मैं, मेरे पास अल्फाज या शब्द नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। जी, आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आप जो है वापस कब से जो है एकदम ठीक नाचते थे, आप लोग आप लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि थोड़ा गहरा लग गया था और लगा तब विश्वास नहीं हुआ और ऐसा लगा कि ये क्या हुआ गया। बहरहाल, हाँ, मैं निकल रहा था शो के लिए कोलकाता के लिए और यही सवेरे का टाइम था, 5:45 बजे, और उस टाइम पे वो गिरी और चल पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा झटका तो लगा कि क्या हुआ। मैंने देखा तो पूरा फव्वारा निकल रहा था बाहर, फिर मैंने सोचा कि इसे किसी और तरह से चीज़ से जोड़ा नहीं जाए, किसी के कष्ट नहीं दिया जाए, तो मैंने वीडियोस तैयार कर लिए और डॉक्टर साहब अग्रवाल जी के यहाँ घर गया, डॉक्टर अग्रवाल जी के पास गया, तो वो साथ आए और उनके साथ फिर मैं क्रिटिक केयर हॉस्पिटल गया। एक सवाल सिर्फ सबको जानना था कि आप जब जा रहे थे तो ये लोडेड रिवॉल्वर रखकर जा रहे थे, ये सवाल कुछ लोगों को समझ नहीं, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा थी। ये देखिए, ये जिस वक्त हम सवेरे उठ के तैयार हो रहे होते हैं, तो ये वो अवस्था ही वैसी हुआ करती है कि हमें इसमें लगता है कि जो है सब सही है किसी प्रकार की कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, और मैं थोड़ा सा मस्त रहा करता हूँ और सहज रहा करता हूँ, तो विचार नहीं किया था ऐसा, परंतु सतर्क रहना चाहिए। जो जहाँ जहाँ हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी के साथ ऐसा गलत नहीं हो,
परंतु ये प्रेरणा लें कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, इंडस्ट्री के सबसे हसमुख एक्टर आप हैं, आपको किसका डर है जिसके लिए आपको रिवॉल्वर चाहिए? फेम इज अ फ्लेम एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द फ्लेम विच इज अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक अग्नि की तरह होती है, जिस वक्त आपको शोहरत मिलती है उसमें से संभल के चलना होता है। प्रेम करने वाले होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या करने वाले होते हैं, और ईर्ष्या का भी इतना ज़्यादा कष्ट नहीं होता। जो कष्ट हो जाता है वो स्पर्धा से निकलता है। परंतु मेरा ऐसा सोचना है कि किसी प्रकार से जोड़ा ना जाए और गलत फहमी ना हो, और प्रार्थना और दुआएं जो मिली है उसके लिए, एक्सक्यूज मी, अब चुप रहिए, जो प्रार्थनाएं और दुआएं जो मुझे मिली हैं, जो गुरदास जो अरदास की गई है, जो प्रेयर्स किए गए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, खास तौर पे आप पत्रकार लोग का धन्यवाद। एक्टर गोविंदा जो कि जिनको पैर पे पैर पे जिनके पैर पर चोट लगी हुई है और उनके परिवार के लोग बड़े ही प्यार से उनका स्वागत कर रहे हैं, बिल्डिंग के लोग उनके प्यार से उनका स्वागत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो फेम होता है वो एक फ्लेम की तरह होता है, यानी कि प्रसिद्धि के साथ में बहुत सारी चुनौतियां भी जीवन में आती हैं और हमें सबको सतर्क रहना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि रिवॉल्वर रखने की आवश्यकता क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जब आप प्रसिद्धि हासिल करते हैं तो आपके साथ कई चीज़ें साथ में आती हैं, और इसीलिए सजग रहने की ज़रूरत है। और गोविंदा ने यह भी कहा कि उस सुबह 4:45 बजे के आसपास वो काम के लिए निकल रहे थे सुबह, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी, और जब ये मिसफायर हुआ तो उनके पैर से अचानक से खून निकलने लगा और वो खुद भी परेशान हो गए थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक है और अब घर आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत राहत है और घर के लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके घर को घर में ले जाया जा रहा है, और तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कि वह उनका स्वागत के लिए लोग खड़े हैं बिल्डिंग में। धीरे धीरे वो व्हीलचेयर पर प्रवेश कर रहे हैं और व्हीलचेयर पर प्रवेश करके वो अपने घर में जा रहे हैं। स्वागत के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ कीर्ति जी हैं, गोविंदा के भाई। ठीक, अब अच्छा लग रहा है, घर पे आ गए एकदम? बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम देखे पहले दिन से, आप सांता क्रूज से भागकर आए और लगातार चिंतित थे आप भी बहुत, कैसे नहीं होंगे? सर कोई डरा हुआ था, कैसे नहीं होंगे ऐसे, मतलब। लेकिन ये है कि आप लोगों का, सब लोगों का बहुत प्रेम मिला हम लोगों को, हम लोग कृतज्ञ हैं आप लोगों के प्रेम के जी। भाई का एक हक भी होता है डांटने का, डांटेंगे? देखिए वो हक तो हमेशा रहता है, लेकिन डांटने की भी उम्र होती है। अब तो मतलब हम लोग दोनों जो हैं एक तरीके से, मतलब वो 60 के आसपास हैं और मैं उनसे काफ़ी बड़ा हूँ, मैं 6-7 साल बड़ा हूँ उनसे, तो मैं इस वक्त 69 रन कर रहा हूँ, वो 61-62 की चल रहे हैं। तो अब ये डांटने वाटने की बात तो है नहीं, मतलब घटना था बस हो गया। नहीं नहीं सुनिए, क्या है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सतर्क रहते हैं और मतलब बहुत अवेयर आदमी है मेरा छोटा भाई, और ये तो हादसा है, कभी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों का प्यार जो है, सब लोगों की जो सदिच्छाएं हैं वो बहुत काम करती हैं, दुआएं काम करती हैं, और मैं मतलब जितने लोग जो हैं वो मतलब इस तरीके के लोग हैं जो कि मतलब दुआ करते हैं, मैं उन लोगों का बड़ा कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मैं सब अरदास कर रहे थे, मां मृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रहे थे, पाठ कर मेरा बहुत बहुत, मैं नतमस्तक हूँ मैं उन लोगों के लिए, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कीर्ति जी, जो कि जिन्होंने खुशी जताई कि गोविंदा अपने घर पर आ गए हैं, चूंकि गोविंदा छोटे भाई हैं, एक भाई का हक तो बनता है डांटने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि उम्र इतनी हो गई कि अब डांटा नहीं जाएगा, पर इस बात से बहुत ही खुश और आश्वस्त हैं कि गोविंदा सकुशल अपने घर आ गए हैं। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़ मुंबई। व्हाट डज हरियाणा'स यूथ वांट? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? Sarkar banegi to 36 baradriyon ki sarkar banegi. Ram Ram! Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP? Or Bhupinder Singh Hooda from Congress?
will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त. Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.